मॉर्निंग क्लास, आज हम अपनी इंग्लिश की क्लास में पहले रीडिंग करेंगे, फिर हम काम करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर आंट, ए फॉर एग्स। अब हम पढ़ेंगे फिर से नेक्स्ट। बी फॉर बॉय, बी फॉर बनाना, बी फॉर बॉल, बी फॉर बैलून। C for car, C for cat, C for cock, C for cake। सब बच्चे बोल बोल के पढ़ेंगे और फिंगर रख के प्रॉपरली और सारे सारे वर्ड्स को पढ़ेंगे। D for dog, D for doll, D for duck, D for drum, E for elephant, E for engine, E for egg, E for eye, E F for fish, F for frog, F for fan, F for fruits, G for grapes, G for goat, G for girl, G for guitar, H for horse। दिख रहा है आप सबको? एच फॉर हैंड, एच फॉर हाउस, एच फॉर हेड, आई फॉर इंकपॉट, आई फॉर आयरन, आई फॉर आइसक्रीम एंड आई फॉर इंडिया। जहाँ पे आप रहते हो उसको क्या बोलते हैं? इंडिया। जे फॉर जग, जे फॉर जैम, जे फॉर जोकर, जे फॉर जूस, K for kite, K for king, K for key and K for kettle। तो आप सबको ही पढ़ना है नीचे वाले सारे। अब हम पढ़ेंगे। L for lion, L for lamb, L for lotus, L for log, M for mango, M for moon, M for metro, M for monkey, N for nest, N for nose, N for nurse, N for net, O for orange, O for owl, O for ox, O for onion, P for parrot, P for pear, P for pigeon, P for peacock, Q for queen, Q for quill, Q for quarter, Q for quill, R for rose, R for rabbit, R for ring, R for rat, S for ship, S for swan, S for sun, S for shoes, T for tiger, T for top, T for tree, T for tomato, U for umbrella, U for utensils, U for uniform। तो आप सबको ये सारा पढ़ना है, ठीक है। V for van, V for violin, V for vegetables, V for vase, W for watch, W for wool, W for window, W for well, X for Xmas tree, X for x-ray, X for Xmas father, X for xophono, Y for yak, Y for yach, Y for yarn, Y for yellow, Z for zebra, Z for zip, Z for zoo, Z for zigzag। तो आप सबको प्रॉपरली ए टू जेड
पढ़ना है, रीडिंग करनी है, और मैंने आज आपको क्लास में भी ए टू जेड ही कराया था, तो आपको सेम एज अ क्लास होमवर्क है वो भी करना है, और सब बच्चे प्रॉपरली लाइन में लिखेंगे और नीट एंड क्लीन वर्क करके लाएंगे, ओके। और आप सबको पता भी होना चाहिए, ए बोलेंगी मैम तो आपको ए कैसे लिखना है, ओके। मैंने आप सबको ए टू जेड करा दिया है, तो आप सबको प्रॉपरली अच्छे से आना चाहिए और अच्छे से लिखना है, ओके। थैंक यू।